फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम दो बीचों को कवर करेंगे। एक बीच होगा जो नेचुरल ब्रिज है, दूसरा बीच होगा एक प्राइवेट बीच जहाँ पे कोई नहीं आता। एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कैंडल लाइट डिनर्स एंड बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो मैं अभी हूँ लक्ष्मणपुर में, तो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ वो प्लेस। तो आप वीडियो में बने रहिए एंड नेचुरल ब्रिज और इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। हम लोग अभी प्राइवेट बीच की ओर चल रहे हैं, तो मैं और मेरे एक दोस्त आया है, तो हम लोग दोनों प्राइवेट बीच की तरफ चल रहे हैं। तो ये है ऐसा कुछ रास्ता है जो लक्ष्मणपुर से होते हुए एक प्राइवेट बीच पे लेके जाएगा आपको। तो ये बीच में ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं है और ये बीच में ज़्यादा कोई नहीं रहता है क्योंकि ये प्राइवेट है, एक होटल का ये प्राइवेट बीच है। तो ऐसा कुछ है, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा जगह है, मैंने पहला बार यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए यार, मतलब वाव क्या सीन है एंड क्या सीनरीज है यहाँ पे, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। फोटोशूट्स के लिए बहुत ही सुंदर सा जगह है, आप चाहो तो फोटोशूट के लिए आ सकते हो यहाँ पे। अब लोग वीडियो में बने रहे, इसके बाद हम लोग नेचुरल ब्रिज की ओर चलेंगे। सो ये वीडियो मैंने दोनों वीडियो को कंटिन्यू ही रखा है, सो इसी के बाद, क्योंकि नील ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा हो गया है यार प्रोफाइल में, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें एक प्राइवेट बीच को कवर किया एंड नेचुरल ब्रिज को कवर किया। तो ये देखिए, ये फ्रूट है, इसे सी फ्रूट कहते हैं एंड सी कोकोनट भी कहते हैं कोई कोई, तो मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता। मुझे जहाँ तक पता है इसे सी फ्रूट कहते हैं, ये सीज का बगल में ही रहता है, तो ऐसा कुछ दिखता है। तो अभी हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, मैं आपको एक डेस्टिनेशन दिखाऊंगा आगे जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर होता है। ये देखिए, यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर होता है एंड यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है ये नील में। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे आके कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, बहुत ही प्यारा जगह है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग होता है बेसिकली, तो यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो। एंड इसके जस्ट ही सामने आपको बैठने का अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि बेंचेस लगा है। तो अब हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अब हम चलेंगे नेचुरल ब्रिज की ओर। तो ये है रास्ता कुछ ऐसा नेचुरल ब्रिज की ओर, तो अब हम चल रहे हैं नेचुरल ब्रिज की ओर। आप इस वीडियो में बने रहिए एंड मज़ा लीजिए इस वीडियो को मेरे साथ में, सफ़र को इंजॉय कीजिए आप भी। हम लोग अभी नेचुरल ब्रिज की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, ऐसा स्टेप्स है, स्टेप्स को चढ़ते हुए फिर राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा आपको। एंड सामने कुछ ब्यूटीफुल सा शॉप्स है जहाँ पे आपको पानी का बॉटल्स या चिप्स आपको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। एंड सी सेल्स का दुकान है, जैसे बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो उनको सी सेल्स एंड सीज का जो अंडमान का है वो लेके जा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा जगह है, तो ऐसा कुछ सीसेल्स का दुकान है एंड हैट रखा गया है। एंड सामने को और कुछ जूस का दुकान है। एंड आप लोग आगे की ओर चलते हुए जाएंगे तो प्यास भी लगेगा, क्योंकि कोई कोई दिन को आता है, धूप में आता है तो उनको प्यास लगता है। एंड आप यहाँ से ले जा सकते हैं अपने ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि धूप में चलेंगे तो ऑफकोर्स आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ है, आगे चलते चलते मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नियर अबाउट 10-15 मिनट्स से आपको फुटपाथ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप वॉक करते हुए आएंगे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह है, लोकेशन है ये, लेकिन अभी मुझे पता नहीं हाई टाइड हो रहा है या लो टाइड हो रहा है, जैसा भी जो भी हो रहा है। लेकिन एक ब्रिज देखिए, यहाँ पे दो ब्रिज है टोटल, नेचुरल ब्रिज के दो ब्रिज है। पहला एक बहुत बड़ा सा ब्रिज है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रिज है जिसके आप ऊपर आप चढ़ सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि पहला ब्रिज दिखेगा या मैं दूसरे ब्रिज तक पहुंच सकूंगा। अगर हाई टाइड हुआ तो मैं दूसरे ब्रिज तक नहीं पहुंच सकूंगा, अगर लो टाइड हुआ तो मैं दोनों ब्रिज को कवर करूंगा। तो देखते हैं अभी हाई टाइड है कि लो टाइड है। मैंने चेक किया था तो अभी लगता है हाई टाइड है। तो ऐसा कुछ है, यहाँ से सीढ़ी उतरना पड़ता है, देख के उतरिएगा। तो मैं उतरता हूँ, जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ। मैं आपको लेंस चेंज करके वाइड एंगल में दिखाता हूँ। मैं अभी लेंस चेंज करूंगा थोड़ी देर में, रुक जाइए आप। पानी उतरा नहीं है तो
पानी अभी उतर रहा है तो हम लोग यहीं से चल के जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं सामने ऐसा कुछ है, तो हम लोग अभी पानी उतरने तक वेट करेंगे तो शाम हो जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ में कुछ। ये देखिए, अभी हम लोग इसका नीचे से जाएंगे कि इसको ऊपर से जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो नीचे से ही जाएंगे हम लोग। तो ये देखिए, फुटेज को थोड़ा कट किया है बीच में, तो आपको नियर अबाउट 15 मिनट्स चलना पड़ेगा इन स्टोन से, आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, देन यू आर रीच टू द फर्स्ट ब्रिज। तो ऐसा कुछ है पहला ब्रिज, ये पहला ब्रिज है जो थोड़ा बड़ा है, इसे भी ये भी फर्स्ट ब्रिजेस के बाद फिर दूसरा ब्रिज आता है। तो हम पहला ब्रिज तक पहुँच गए पत्थर से चलते हुए। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आते हो देख के आइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पत्थरीला एरिया है। एंड मैंने इस वीडियो को इसलिए कट किया है ताकि ये अगर हाथ से मेरा ट्राईपॉड गिर गया या मुझे कुछ हो गया, तो मुझे क्योंकि ड्यूटी भी ज्वाइन करना है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ दिखता है, टाइम लैप्स वीडियो है, ऐसा कुछ दिखता है पहला ब्रिज। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, आई होप कि मैं दूसरे ब्रिज तक भी पहुँच पाऊँ, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि पानी अभी भी लो टाइड नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ है, मैं भी आगे की ओर जाता हूँ एंड दिखाता हूँ। ये बहुत ही फोटोग्राफिक जोन है, यहाँ पे लोग फोटोशूट करते हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने एक फोटोशूट हो रहा है। तो मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाता हूँ, फोटोशूट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ है सामने की ओर, तो अब हम इसे क्रॉस करेंगे, जो हमारे पहले ब्रिज है उसे क्रॉस करते हुए दूसरे ब्रिज की ओर चलते हैं, देखते हैं हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। कोशिश करेंगे, अगर कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंचे फिर तो बोलेंगे हाँ ठीक है चलो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, लेकिन बिना कोशिश करे अगर मैं ये बोलूंगा कि यार नहीं पहुंच पाया तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं एक कोशिश ज़रूर करूंगा क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एंड मैं जब ये वीडियो को जब मैं एज हो जाएगा तब मैं देखूंगा, तो मुझे ये लगेगा कि यार मैंने कोशिश तक नहीं किया। तो मैं चलता हूँ आगे एंड आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ है, तो मैं अभी आगे जल्दी जल्दी से चलता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि मैं दूसरे ब्रिज तक पहुँच पाता हूँ या नहीं। तो देखिए सामने फ़ोटोशूट हो रहा है, तो हम उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो क्योंकि फ़ोटोशूट के टाइम किसी को डिस्टर्ब करना जायज़ नहीं है। तो हम ब्रिज को पार करते हुए आ गए एंड वो देखिए सामने दूसरा ब्रिज, सेकंड ब्रिज जो आपको सामने दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा सामने जो एक ब्रिज है। तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि आप देख सकते हैं पानी बहुत ही ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, तो मैंने उसे नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ चुका हूँ। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा कभी नील, तो मैं उस ब्रिज को ज़रूर कवर करूँगा विद ड्रोन, मैं ड्रोन शॉट के साथ कवर करूँगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, तो अब हम निकलेंगे। देखिए अब सनसेट होने ही वाला है, यहाँ पे जब भी सनसेट होता है ना थोड़ा क्लाउडी रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।